कार्ड को लेकर ख्यालों में क्यों खोई हो? खूबसूरत कार्ड है ना? अरे शादी की उम्र की लड़की अगर हाथ में कार्ड लेकर सोचे तो ये सोच रही होगी कि मेरी शादी कब होगी। कहाँ ना कार्ड देख रही हूँ, समझ में नहीं आता। अरे छोड़ो इसको, अगले साल जब इसकी शादी होगी ना तो अपने दूल्हे के साथ बैठकर इससे अच्छा कार्ड ढूंढेगी। और तू अभी तक यहाँ है? भैया आते ही होंगे। ओह देख भैया आ भी गए। अरे पिताजी आ गए। जी लोग कब आ रहे हैं? 10 बजे की गाड़ी से। और गाड़ी? गाड़ी भेज दिया ना। गाड़ी क्यों भेज दिया? तुझे जाना चाहिए था ना, तेरी बेटी की शादी है। जीजा जी कुछ और समझ गए तो मैं जाऊं। गाड़ी निकाल रहे। अरे देखो जरा, अभी तो शादी भी नहीं हुई है तब तो इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, जब शादी हो जाएगी तब कितना बड़ा हंगामा होगा। अरे भाई चौधरी साहब का स्टाइल तो यही है, अच्छा करे बुरा करे शादी का कार्ड देखा ना। कमाल का है। हाँ। शादी के दिन तो सभी लोग आएंगे, धमाल होगा। अरे सामान तो बराबर है ना, 2 3 4। अरे तुमने यहाँ पर भी शुरू कर दिया नाटक खरीदने का? क्यों खींच रहे हो? चलो छोड़ छोड़। अरे देखो ना यार, तुम्हारी जाजी कैसे हो? जहाँ खड़ी हो जाती है वहीं कुछ खरीदने लगती है। चलो जल्दी यहाँ से। अरे चलो चलो चल दीदी। क्या है? अरे चलो ना, संभल के उतर। ठीक हो ना तुम लोग? भाभी शादी की सारी तैयारियां हो गई है ना? हाँ जल्दी आ जाओ। शादी की सारी तैयारियां जी सब बराबर है। हाँ ठीक है, तुम अभी फोन रख दो। लक्ष्मी जीजा जी आ गए। अरे साले साहब कैसे हो? ठीक हूँ, आओ बैठो। अरे भैया कैसे हो आप? दामाद जी बैठिए, अच्छे से तो हैं? अच्छा हूँ। ये क्या जीजा जी, आपको तो शादी से 15 दिन पहले आना था। हाँ सोचा तो था, पर ये 15 दिन तुम्हारी बहन को कौन झेलता? क्यों भाई मेरी बहन ने क्या किया? अरे कुछ नहीं किया इसलिए तो नहीं आया, वरना शादी से पहले सारा राशन खत्म कर देती। रहने दो। देखो भैया आपका जीजा जी क्या बोल रहे हैं। अरे हार्ट पेशेंट हो, जरा संभल के रहना चाहिए ना। जीजा जी आप बदलोगे नहीं। अरे मैं क्या बदलूंगा, तुम्हारी बहन को बदलने में मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो गई। अरे क्या तुम बोले जा रहे हो, अपना मुंह बंद नहीं कर सकते? अरे क्या? मुंह बंद कर लूं, मैं इस घर का दामाद हूं। अरे शादी होकर 30 साल हो गए हैं, नए दूल्हे की तरह बात मत क्या करो। तो अब तुम्हारा बेटा भी इस घर का दामाद बनने जा रहा है। अरे देखो मेरी बहू आ गई, बराबर है ना, ये लो खाओ। अरे ये अच्छा है ना, अंदर कैसे गुमसुम खड़ी है। हाँ तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? शशि और पढ़ना चाहती है। पढ़ने दीजिए, थोड़ा दिमाग भी बढ़ेगा। ठीक है ठीक है, तेरी पढ़ाई कब खत्म होगी? ऐसे तो 1 साल में ही खत्म हो जाएगी, और फिर तो और शादी है उसके बाद। नहीं पहले शादी फिर प्रैक्टिस। नहीं पहले शादी फिर प्रैक्टिस। अरे आपने सिगार पीना नहीं छोड़ा, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अरे मेरा नहीं ये, चल उधर। ये क्या? मेरा नहीं बोला ना, रख उधर। चल चल ले लो दामाद जी, अगर ये कोई चीज किसी को देता है ना तो चीज उसी की होती है। ले लो पागल है, वरना पीछा नहीं छोड़ने वाला। चलो उठो। चलो चल। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। टिंग 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 टिंग। बड़ी तो हो गई लेकिन दिमाग से बचपन है।
बच्चे सब कहाँ हैं? छत पे है सब भैया। हाँ अरे यार किस तरह से पत्ते फेंका है, मैं रम्मी में हारता जा रहा हूँ, आज पता नहीं क्या हो गया। काउंट करो अभी। मेरा नील, नील। अरे क्या इतना सीरियस होके पढ़ रही है, एग्जाम है क्या? डिग्री पढ़ने के लिए शहर जा रही है ना, इसलिए अभी से तैयारी कर रही है। अरे अभी से पढ़ लिख के कौन सा आईएएस का एग्जाम देना है, लड़का परेशान हो रहा है, बुला के ले आ जल्दी। ठीक है तू बांट ना। ए चल सब लोग वहाँ खेल रहे हैं, जीजाजी बुला रहे तुझे। मुझे पढ़ने दो अभी, तुम जाओ। बड़ी आई पढ़ने वाली। हाँ जीजाजी भी डॉक्टरी पढ़ते हैं। जीजाजी ने पढ़ी होगी डॉक्टरी, अब मुझे डॉक्टरी पढ़नी है। पीछे ही पड़ गए सब लोग, तुम लोगों ने तो मेरी पढ़ाई खत्म करने का अच्छा प्लान ही बना दिया है। अपना प्लान अपने पास रख, चुपचाप चल। अरे तू अब यहाँ से जाना, मैं पढ़ते रहती तो तुझे जलन होती है क्या? जा तू जा। नहीं 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 रुक जा, मैं भी आ रही हूँ तेरे साथ। मैं जब भी पढ़ते रहती तुम लोग सब लोग आके डिस्टर्ब करते रहते। बाद में पढ़ लेना, अभी चल। अरे बेटी हम सब लोग मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तुम वहाँ पे क्या कर रही हो? यहाँ खेलो। अरे पत्ते बांटना जल्दी। मुझे तो पत्ते खेलने ही नहीं आते। अरे हम भी खेलने में पंडित नहीं है। अरे डालना जल्दी। हारने वाले को छोटा सा पनिशमेंट। पनिशमेंट? हार गई तो बेटी। सब लोग अपने अपने पॉइंट बताओ भाई। मेरा तो नील है। तेरी तो पूरी जिंदगी ही नील है। और तुम? 20। इसका? अरे मेरे कितने? 32। और तुम्हारे? मेरे 0 पॉइंट। हाँ दिखा दो। मेरे 6 पॉइंट। ए, चल उठक बैठक। हाँ चलो उठो। अरे उठना। बताइए ये सब। अरे उठ। एक दो। ये तो रॉन्ग हो, बिल्कुल सही है। पॉइंट गिनो, पॉइंट बताओ। काउंट काउंट काउंट। 15। ए तुम्हारा? तुम्हारे कितने शशि? तुम्हारा कितना? अरे मेरे कितने? 110। ए ठीक से बोल। ठीक ही तो बोल रही हूँ। मिल गई, मिल गई। पनिशमेंट बोलना। हाँ पनिशमेंट। गाना गाओ, आवाज अच्छा है ना। हाँ गाओ। हाँ हाँ गाओ गाओ गाओ। गाना? हाँ गाओ ना। अरे 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 पकड़ो 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 उसको। ये तो गलत बात है। चल पकड़ो। नहीं 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 बिल्कुल नहीं। बैठिए बैठिए। चलिए चलिए बैठिए। हाँ बैठो। गाइए। गाओ 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 भाई गाओ गाओ। अच्छा भाई बाबा भाई पहले पहले प्यार की रात ये शबाब की हार ही है बहार जो हमार की। अरे अरे तुम लोग रुको रे, पहले बीट तो बजने दो। जब मेरी बाह में क्यों सताए तू मुझे, हो न जाए हमसे कोई खता। चोर चोर तुमसे मिला रही नजरें, कबू न हम पे कोई रहा। पहले पहले प्यार की रात है शबाब की, आ रही है बहार जो खुमार की। फिल्म चलने लगा चांद ढलने लगा, आ रही है बारात मेरे यार की। Thank you.
क्यों सताती है। मैं मानू ये बात है तुम्हारी, दिल के सवाल का जवाब दे भी दो। न जानू तुम्हारे सवाल का जवाब मैं, न जानू हमें तो छोड़ दो। अरे बोल मुझसे तू ये कह दूँ इसे, पहले पहले प्यार की रात ये शबाब की, आ रही है बहार जो खुमार की। दिल मचलने लगा चांद ढलने लगा, आ रही है बारात मेरे यार की। कुछ तो बता दूं मैं काम इनको, तुम्हारा ही काम है ये और करूं मैं क्या। पहले पहले प्यार की रात ये शबाब की, आ रही है बहार जो खुमार की। दिल मचलने लगा चांद ढलने लगा, आ रही है बारात मेरे यार की। आजा मेरी बाहों में क्यों सताए तू मुझे, हो न जाए हमसे कोई खता। चोर चोर तुमसे मिला रही हूँ नजरें, अब पहले पहले प्यार की रात है शबाब की, आ रही है बहार जो कुमार की। दिल मचलने लगा चांद ढलने लगा, आ रही है बारात मेरे यार की। अरे पिताजी आ गए, चलो 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 चलो। पूरा गांव तुम्हारी शादी के बारे में बातें कर रहा है, शादी के कार्ड भी बहुत अच्छे हैं। बस एक बार तुम्हें देखना चाहता था। मतलब तुम अभी लेने के लिए नहीं आए? तुम्हारे घर वालों के बारे में पता ना? हाँ पता है मुझे, क्या करेंगे, चांद से मार डालेंगे ना, मार डाले। शादी नहीं तो भी मेरा मरना निश्चित है ना। ऐसा मत बोलो, तुम खुश रहो इसलिए मैं ये गाँव छोड़ के जा रहा हूँ। तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, इसलिए कह रही हूँ जिस मंदिर जिस भगवान के सामने हम पहले मिले थे उसी मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो प्लीज, मेरी बात सुनो तो तुम। सताय पुरुष सतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतितिष्ठति मांगल्यं तं से छोड़ दो,
से छोड़ दो। उसे मत मारो। मत मारो, पिताजी उसे छोड़ दो। उसे छोड़ दो पिताजी। पिताजी उसे छोड़ दो। पिताजी। बड़े पापा। सुनील बाबू की अगले साल तक पढ़ाई खत्म हो जाएगी, कॉलेज में एडमिशन लेगी, पढ़ेगी लिखेगी, आखिर में इन सब का फायदा क्या है? तब तक तो पढ़ने दीजिए ना पिताजी। मुझे तो पसंद नहीं है बिना माँ की बेटी, इसीलिए तेरा दिल दुखाना नहीं चाहता। पर एक बात याद रखना, कोई भी आदमी हमारे खानदान की तरफ उंगली नहीं उठाना चाहिए। ठीक है पिताजी। ठीक है। हाय। हेलो। क्या रे, ज्यादा नखरा हो रहा है तेरा? कॉलेज में जब आई थी तो कैसी थी, अब हमारे साथ रहकर कितनी मस्त हो गई है। ए, हमें कॉम्प्लीमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है, कभी तू अपने आप को भी शीशे में देख लिया कर। ए, तू क्यों हंस रही है? हेलो, इधर आ। मैं? हाँ तुम ही। क्या आज पहली बार कॉलेज आई हो? आज ही कॉलेज ज्वाइन किया है मैंने। ओ, जूनियर हो? हाँ जी। क्या आप हमारे सीनियर हैं? हाँ सीनियर हो। लोकल हो? हाँ। कहाँ से आए हो? तुली पेट। कौन सी पेट? तुली पेट। अरे बड़ा पेट, बड़ा पेट होता है ना। ओहो, ओके। ड्रेस अच्छा है, गांव का नाम अच्छा है, तेरा नाम क्या है? शशि रेखा। हे भगवान, सब कुछ अच्छा है, नाम अच्छा नहीं है। आगे पीछे कुछ है क्या? हाँ है ना, सुखदेव। टुकदेव? टुकदेव नहीं, सुखदेव। क्या बोला, क्या बोला? सुखदेव, SUKHDEV, सुखदेव। या बुद्धि बुद्धि बुद्धि, क्या समझ नहीं आ रहा। चल चल यार, अब बहुत हो गया यार। सॉरी यार, नई लड़की आती है ना तो उसे बहुत सताती है ये। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक है। और हाँ, आज हमारे रूम में कोई नया जॉइंट हुआ है, वो तुम ही हो ना? मुझे नहीं पता। ठीक है, हॉस्टल जाकर पता लगाते हैं। चलो ना। अरे वो सारी लड़कियाँ इसी हॉस्टल में रहती है? हाँ इसी हॉस्टल में रहती है। अरे बाप रे, नई स्टूडेंट है मैडम। नमस्ते, नमस्ते मैडम। ठीक सर है ना? ओके मैडम, ऊपर लेके जाओ। ओके, थैंक यू। यही है अपना रूम। क्या मैं इधर सोऊंगी? कहीं पर भी सोओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इधर सो सकती हूँ? ठीक है, बाद में सोना, पहले फ्रेश हो लो और खाना खा लेते हैं। हाय। हाय। इधर आओ शशि। क्या आप मुझे यहाँ खाना खाना पड़ेगा? हाय। हाय मोटी। हाय। हाय। ए जूनियर, कहाँ जा रही है? खाना खाने के लिए। दबा के खाना। हाँ जा जा। क्या हुआ शशि?
क्या हुआ? खाना अच्छा नहीं लग रहा है क्या? यहाँ तो ऐसे ही मिलता है। डोंट वरी। पवन है। हमारी नमस्ते, 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 नमस्ते। क्यों आए हो यहाँ पे? मैं सीढ़ियों से चढ़कर आया हूँ। क्या बिरयानी? ये बिरयानी लेकर आया हूँ। अरे क्या बिना कनेक्शन के बात कर रहा है? क्या है ना, मैं कनेक्शन रखकर ही बात कर रहा हूँ। मुझे पता चला है इस हॉस्टल में खाना वाना सब अच्छा नहीं मिलता, इसलिए मैंने सोचा कुछ और लेकर चलता हूँ, इसलिए ये बिरयानी लेकर आया हूँ। ये बात सच है ना? कौन बोला लाने के लिए? मारते क्यों हो? ये कैसे पकड़ा गया? ऊपर से मेरे को मार दिया, पकड़वा लिया। वो तो मुझे पता लगा था इस होस्टल में खाना अच्छा नहीं मिलता, इसलिए तो लेकर आया हूँ बिरयानी। मुझे पता नहीं था, मुझे पता था, मैं ऐसे कैसे लेकर आऊंगा बिरयानी? भारत देश है मेरा, पर बिरयानी लाने के लिए कौन बोला है? बताता हूँ, बता दूं क्या? नहीं, अच्छा अच्छा नहीं बताऊंगा, बताता हूँ। निम्मी, अब मेरे को बड़ा टेंशन हो रहा है, मैं बता देता हूँ, ये निम्मी मेरी दोस्त है। चलो मैडम से हाथ मिलाओ, ग्लैड टू मीट यू। नो मैडम, प्रॉमिस, मैं नहीं जानती इसको, मैं नहीं पहचानती। टैंक बेड पे हम लोग मिले थे, भूल गई क्या? नहीं पहचानती, बोला ना। अरे भूल गई, अरे आज मेरे से झूठ बोल रही है मैडम, कल आपसे झूठ बोलेगी, ये बता रहा हूँ मैं आपको। पवन, पवन। अरे उठ तो, सुबह सुबह पहले ही बॉडी पेन से हालत खराब हो रही है। अरे पॉकेट में हाथ डालते ही मुझे दर्द हो गया। इसका मतलब क्या, नींद में से जगाकर पूछेगा है? जागने के बाद तो पूछूंगा ना। सोने दे यार, मेरे को सोने दे। सॉरी, अच्छा ठीक है, सो जा सो जा। कॉफी? अरे काहे का कॉफी, अरे इसकी तो बॉडी में दर्द हो रहा है, अरे कब से उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसको चिल्लाने के अलावा और काम ही क्या है? अरे रवि, तूने ऑफिस का काम कर दिया? वो छोड़ दे मेरे ऊपर, मैं देख लूंगा। मैं सीरियस नहीं लेता, पर मेरी तरह मेरा बॉस नहीं है, वो तो मेरी जान ले लेगा। तू मेरे बॉस को जानता नहीं है, वो बहुत बड़ा खड़ूस है। यू डोंट वरी, मैं ऑफिस आ रहा हूँ ना, मैं बॉस से बात कर लूंगा। मैं जा रहा हूँ तैयार होने। हाँ। देख कौन आया है। कौन है? हाय निम्मी, सुबह सुबह कैसे? पवन है अंकल। पवन को? अरे उसको क्या होगा? पवन, पवन। वो ऐसे नहीं उठेगा, मैं उठाता हूँ। पवन, पवन, देखो निम्मी आई है, उठो। बाप रे, अंकल मुझे किसी से बात नहीं करनी है, जो भी आए बोलो चले जाओ। कल रात को जो हुआ? अरे रात में क्या हुआ, सब सेटल हो गई ना, रात गई बात गई, अब जाओ यहाँ से। ठीक है, तुम सो जाओ। मेरी बात सुनो, ये कौन है? मेरी रूममेट है, कल ही ज्वाइन हुई है, एंड मिस्टर शिवाजी आज ही कंपनी में काम करते हैं। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। अब ये सब डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। हाँ। अरे पवन, मेरी बात समझने की कोशिश करो। उसी के बारे में तो बोल रहा हूँ, जो भी हुआ हम दोनों मिलकर बात कर लेंगे, सबके सामने बोल लेंगे, क्या जरूरत है, तुम दोनों जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, जाओ। क्या रे पवन, निम्मी आई है क्या? हाय। हाय रवि,
ये शशि रेखा है, कल ही हमारे कॉलेज में आई है, एंड ही इज रवि। हेलो, नमस्ते। अरे इतनी सुबह कैसे आना हुआ? यही जानना चाहता था। ये लोग बोलती है मगर ये बोलने नहीं देता। ये कौन है मुझे पता ही नहीं था। अरे बोला ना, तुम कुछ मत बोलो। प्रॉमिस, सच्ची में नहीं पता था कि ये कौन है। कुछ मत बोलो तुम। ए, चुप रह। हाँ, ये जानना जरूरी है क्या? हाँ बोलिए। बोलो। मैं कल ही गाँव से आई हूँ। किस गाँव से आई है? तूलपेट से। दरअसल क्या हुआ ना, हॉस्टल का खाना जरा सा भी अच्छा नहीं है। बिचारी निम्मे ने कहा था मेरे लिए खाना अरेंज करेगी, पर मुझे ये नहीं पता था कि यही मेरे लिए खाना लाएंगे, और मुझे कुछ भी पता नहीं था। और मैं इन्हें देखकर डरकर चोर चोर चिल्लाई। हॉस्टल में इनको सब लोगों ने खूब मारा। सच्ची में मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। सच्ची में मैंने ऐसा कुछ जानबूझ के पता नहीं किया। तुमने बोल दिया कि और कुछ बाकी है अभी। अच्छा, इसलिए ये बॉडी पैन है। तेरी इतनी भी पर्सनालिटी नहीं है कि तू इतना छोटा रिस्क ले सके। जरूरी था ना, ऑर्डर था कि चिकन बिरयानी लेकर आओ होम डिलीवरी की तरह, इसलिए तो लेकर गया था मैं। हाँ। नहीं ऐसा नहीं है, आपके जाने के बाद निम्मी को बहुत दुख हुआ। बाकी के लोगों ने जान से छोड़ दिया इसलिए। वो किस तरह बोलेगी कि तू उसका बॉयफ्रेंड है? अरे मैं भी तो यही इशारे से बोल रही थी, इसने समझा नहीं तो मैं क्या करूं। मार खाने वाले को पता होगा कि उसने क्यों नहीं समझा। हां आई एम वेरी वेरी सॉरी ना पवन, प्लीज। ओवरएक्टिंग छोड़, सॉरी बोली ना। दरअसल इस फसाद की जड़ मैं हूँ, आई एम सॉरी पवन। ओके, आप लोग बोल रहे हैं तो माफ कर देता हूँ, लेकिन ये दोबारा नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल भी। हाँ अरे सुन, अपने को कुछ अलग से सीक्रेट बात करनी है। क्या बात है अंकल? रवि पहलवान, वो क्या है ना, बीच में अंकल थोड़ा। माफ करना, मैं कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? ये सारी पेंटिंग रवि की है, ही इज अ पेंटर। और तुम्हें भी एक बात बताती हूँ, शशि को भी पेंटिंग बहुत पसंद है। ये कार्ड तुम्हें पसंद आया? मैंने जो भी वेडिंग कार्ड डिजाइन किया, सबसे ज्यादा यही पसंद है। यह डिजाइन करीमनगर के किसी गांव का है, बहुत अच्छा है ना। आती हूं मैं। मुझे ठीक है। तुम्हारे पास तो वॉइस ही नहीं है। सर वो अपने वेटरमैन के लिए थोड़ा डिले कर रहा है। अरे टाइम की कोई कीमत होती है या नहीं होती है? वो लड़का टैलेंटेड है, इसलिए कंपनी से मैंने रॉयल्टी दिलवाया, और तुम बोलते हो कि वेटरमैन। हाय रवि। गुड मॉर्निंग सर। सॉरी सर, थोड़ा लेट हुआ, पर क्वालिटी बड़ी अच्छी बनी है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, मैं अपने बिजनेस में कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ पे बुलाया है, तुम्हें एक खुशखबरी। क्या है सर? कंपनी ने तुम्हें हर कार्ड पे रॉयल्टी देने का निर्णय लिया है। अब तुम्हें हर कार्ड पे रॉयल्टी मिलेगी। हाय रवि। ओ हाय, कल शाम को मेरे घर पर पार्टी है, बहुत सारे हैं, तुम लोग भी आना। ओके ओके, चलो दोस्तों बाय। कल तुम भी आना भाई, चल रहे आता है क्या? तू चल, मैं बाद में आता हूँ। तू चल ना यार, तेरे से काम है। आ ठीक है, मैं चलता हूँ। कैसे करूँ, मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे बहुत बड़ा करना होगा, बहुत ही बड़ा करना होगा। ऐसा नहीं है पवन, मेहनत करके रॉयल्टी वो कमाता है, तू इतना टेंशन क्यों लेता है? अपना खर्चा कम कर दे, पहले नाम कमा ले, उसके बाद में तेरी जेब में पैसा ही पैसा होगा। अंकल तुम्हें लाख बार कहा है, 31 दिसंबर तक कुछ भी करो, कुछ भी होने वाला नहीं है, फिर ये सब करके क्या फायदा है बताओ मुझे जरा। इसका मतलब तब तक कुछ नहीं करोगे? उसके बाद भी कुछ नहीं करूंगा। पता है, क्योंकि उसके बाद मेरा टाइम अच्छा हो जाएगा। इस जन्म में हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों 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 बताओ मुझे जरा। क्योंकि इसलिए, क्योंकि हम लोग कदम आगे बढ़ाते हैं तू पीछे खींच लेता है। अंकल मैंने तुझे कोई तकलीफ दी?
मैं अभी टेंशन में हूँ। हम लोग बाकी बात बाद में करेंगे, कल करेंगे। जो असली बात होती है उसे पेंडिंग में रख देता है। बहुत सारे काम है, बहुत लोगों को फोन करना है। फोन करना है, फोन कहाँ है? फोन। निमी का नंबर क्या है? अरे तेरी गर्लफ्रेंड का नंबर मुझे कैसे पता? कुछ भी याद नहीं रख सकते, सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। 66435 9। अरे पवन, हाँ वो निमी के साथ एक लड़की आई थी ना। कौन? वही रे, वो नमस्ते टाटा कर रही थी, वही। उसको भी पार्टी में बुलाना। वो आकर क्या करेगी यहाँ पे? हमारे साथ वो नहीं आएगी यहाँ पे। तू टाइम पर बात मत करना, निम्मी को कंपनी देगी। ओके, मैं निम्मी को कंपनी के लिए लेकर आता हूँ बस। जी, मेरे घर पे फोन करके बोल दिया ना कि मैं लेट आऊंगा। हाँ बोल दिया सर। पक्का बोला ना? बोल दिया, बोल दिया। शिवाजी, शिवाजी सर, मेरे ड्राइवर को खाने का अरेंजमेंट कर दो ना। ओके ओके। अरे साले, तूने मेरा गिलास क्यों लिया? नमस्ते। हेलो, इतना लेट क्यों हुआ? हाय निम्मी, जरा चलो इधर मेरे साथ। ये मैं आती हूँ, प्लीज प्लीज। शिवाजी मर गया यार। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। रवि, शिवाजी को जरा भी अक्कल नहीं है। शिवाजी कहां चला गया? कैरी ऑन। अरे आप यहां आ गई? बस ऐसी। बोर तो नहीं हो रही है? ये सब पुराने हैं, वैलेंटाइंस डे के लिए मैंने नए कार्ड बनाए हैं, जरा देखिए तो कैसे हैं। आपको इतनी सारी आइडिया कहाँ से आती है? कहीं से देखकर बनाते हैं या फिर ऐसे ही? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। देखकर नहीं बनाता, प्यार के फीलिंग, इमोशन, इन सब को इमेजिन करके डिजाइन करता हूँ। प्यार के बारे में बहुत कुछ पता है। प्यार के बारे में हर इंसान की अपनी सोच होती है, उसको कोई 100% साबित नहीं करता। पर प्यार के लिए मेरी एक अलग फीलिंग है। हर एक इंसान जिंदगी में प्यार को हासिल करना चाहता है। कोई इंसान प्यार को हासिल कर लेता है तो कोई उसे हासिल नहीं करता। कोई इसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। अपने प्यार के लिए कोई इंसान कुछ भी कर देता है, मर भी जाता है और मार भी देता है, कुछ भी करता है। यही प्यार की ताकत है। ए शशि, चल चले। हाँ अभी आ रही हूँ। आपके कार्ड बहुत अच्छे हैं। हाँ LDU, when there is a demand for a particular product in the market, there should be sufficient production also. In case there is demand but no production, the utility of that particular product will come down. That is known as law of diminishing utility. Understand? Okay students. कल मैंने जो बोला वो लेसन रिकॉर्ड किया ना? यस सर। लाओ मुझे दो सब लोग। कहाँ भूल गए? तेरे रिकॉर्ड कहाँ है? जरा रुको। सर प्लीज। शशि अपना रिकॉर्ड लाओ। शशि तुम्हें ही बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड लाओ। आ रही हूँ ना सर। मैंने कहाँ पे रखा था? क्या पता, यहाँ पे तो नहीं, वहाँ पे, क्या पता, यहाँ पे। रिकॉर्ड कंप्लीट किया कि नहीं तुमने? 5 मिनट रुक जाइए ना सर। अरे निम्मी, हम लोग उस दिन पवन के घर पे गए थे, लगता है वही मैं भूल गई। ये बीच में पवन कहाँ से आ गया? निम्मी का बॉयफ्रेंड सर। वो तुम्हारी पर्सनल बातें मुझे क्यों बता रहे हो? जाकर रिपोर्ट लेकर आओ। सर मैं अभी बुक को लेकर आती हूँ, यही पास में ही है सर। जाओ जाओ। निमी चलो ना साथ में। नहीं, इसकी क्या जरूरत है, जाओ तुम अकेली। ठीक है मैं ऑटो में जाकर आती हूँ। मेरी माँ कैसे भी जाकर आ। मैं आती हूँ निमी।
तुम जाकर बैठोगी? अरे आप यहाँ कब आई? अभी आई। आइए ना, यहाँ बैठिए। रिकॉर्ड भूल गई थी, निम्मी को बोला था साथ में आने के लिए। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं, डिस्टर्ब नहीं किया। जो काम है उसी के लिए टाइम नहीं मिलता, और कंपटीशन के लिए वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे रे, ऐसा मत बोलिए। साइंस आर्ट लिटरेचर में मेहनत करने वालों को सच्ची में दुनिया को अपनी कला देनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रखने वाले, सोशल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखने वाले अगर ऐसा सोचते तो मुझे नहीं लगता फिर आइंस्टीन थियरी ऑफ रिलेटिविटी, न्यूटन थियरी ऑफ ग्रेविटी इस दुनिया को कभी नहीं मिलती, और अच्छे अच्छे कवियों से कविता भी नहीं आती। मुझे लगता है आपको कॉम्पिटिशन में हिस्सा ज़रूर लेना चाहिए, प्लीज़। आप बोल रही हैं वो अच्छी बात है, लेकिन कंपटीशन के लिए ब्रेन एकदम जाम हो गया है। मैं जो करता हूँ वो मुझे ही पसंद नहीं है, फिर उन लोगों को कैसे पसंद आएगा? मैं आपको एक बात बताऊंगी, आप बुरा नहीं मानेंगे। अरे कैसी बात है, बोलिए ना। कल रात की पार्टी में आपने जो मुझे प्यार के बारे में बातें बताई थी ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अगर उस टॉपिक पे आप पेंटिंग बनाते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, पर मेरी आइडिया आपको क्यों पसंद? ब्रिलियंट, बहुत अच्छा है, रियली गुड, गुड।
प्यार की यादें लेकर आई है बाहर, देखो ओ जानम ओ जानम। दिल कहता है अब रहता है जो तसव्वुर तेरा ही ख्याल रहता है, ओ जानम ओ जानम ओ जानम ओ जानम। रवि ये क्या है? कंपटीशन की पेंटिंग है। अरे सारी पेंटिंग तो तुम मुझे दिखाता था और एग्जीबिशन की पेंटिंग तू मुझे नहीं दिखा रहा। जिसने आइडिया दिया है उसे पहले दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, ये आइडिया किसने दिया ए? बता शशि रे। शशि जा, बढ़िया है बढ़िया है। ये पेंटिंग तुझे पता है किसकी है? अरे वो लड़की आई थी ना। ओ निम्मी। पागल, निन्नी नहीं, निन्नी के साथ जो लड़की आई थी ना, जो ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी वो। अरे तेरे को ये भी नहीं पता कि घर में कौन आता है कौन जाता है, तुझे कुछ भी नहीं पता नहीं है। हजारों काम होते हैं, तुझे तो बस एक ही काम है। माफ करना बिना मतलब के तुझे उंगली किया। देख हम तीनों एक साथ रूम में रहते हैं तो हमारे बीच कुछ भी सीक्रेट नहीं रहना चाहिए। मैंने मार खा कर बात छुपाई थी, तुम लोगों ने पूछ लिया था ना। प्लीज 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 प्लीज। अंकल ये क्या कर रहे हो तुम? ब्रश क्लीन कर रहा हूँ यार। आप जिंदगी भर ब्रश करते रहना बस। हाँ हटो यहाँ से, आप हटो यहाँ से और इससे पूछो जरा क्या हुआ। हाँ नहीं तो क्या हुआ क्या हुआ बताओ। अरे बोलो 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 क्या हुआ क्या हुआ। मुझे प्यार हो गया है यार। क्या मजा आ गया, अब एक से दो बनेंगे, अब आएगा असली मजा। सुन प्यार जो है आग की तरह है, तूने उसको लगा दिया कोई बात नहीं, अब मेरे दिल में मत लगाना बस। तेरी जिंदगी में कभी आने वाला नहीं है, अब 50 साल तेरी एज हो गई है, अब तुझे कोई बुड्ढी ही मिलेगी। मैं अपनी बॉडी दिखा रहा था और तू तो डर गया यार। इकोनॉमिक्स हैज वाइटल रोल इन द एवरीडे लाइफ। व्हेन देयर इज अ डिमांड। क्या सोच रही हो? वो रवि जी पेंटिंग कैसे बना रहे होंगे, मुझे देखकर आना था। मैं जा रहा हूं क्या? रवि के अलावा कोई टॉपिक नहीं है तेरे पास? ऐसा तो नहीं कि तू उसके प्यार में पड़ गई है? पागल हो गई है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट नो डाउट द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट पर लिखना टेंशन देते रहती है। दैट इज नोन एज द लॉ ऑफ पागल गई की रॉ मटेरियल स्किल्ड लेबर फंड्स एंड प्रॉपर मशीनरी वन शुड ऑलवेज। वी शशि रेखा। हाँ? बेटी शशि रेखा, तुम्हारे गांव से कोई आया है मिलने के लिए। कौन हो सकता है? जाकर जल्दी आओ बेटी। जाओ। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलाइजेशन। अरे आप, मैंने सोचा कोई गांव से आया है। वुमेन्स कॉलेज है ना, इसीलिए ऐसा बोलना पड़ा। एनीवे ये आपके लिए है, लीजिए ना। मेरे लिए? इस पेंटिंग का नाम है आपके लिए। नाम काफी अच्छा है। अपने हाथ से खोलकर देख लीजिए ना पेंटिंग। मैं कैसे ओपन करूं? पेंटिंग का आइडिया तो आप ही का था ना, आप ही पेंटिंग देखकर बताइए ना कैसी है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी है। सच में अच्छी है? सच में अच्छी है। नो डाउट नो डाउट। फिर इसे आप ही रख लीजिए। मैं रखूं? कंपटीशन में नहीं भेजेंगे। आपको पसंद आ गई काफी है, उनको पसंद आती या नहीं आती मुझे मालूम नहीं है, इसलिए आप ही रख लीजिए। आपने इतनी मेहनत करके इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है, आपको डेफिनेटली प्राइज मिलेगा। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। इसे भेज दीजिए। ठीक है, आप इतना बोल रही हैं तो मैं जरूर ट्राई करूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या है कि मेरे पास अंकल ये क्या घास फूस लाकर रखी है, कुछ बिरयानी लेकर आते। वो मेरे पास अंकल आप है ना, पीते हैं ना खाते हो, खाना नहीं खाओगे तो कैसे चलेगा, हमारा क्या होगा है? क्या बात है। वो क्या है ना अंकल, 2 दिन के बाद लड़के लड़कियों का वैलेंटाइन डे एक त्योहार आता है, उसके बारे में आपको नहीं पता। मैंने निम्नू को प्रॉमिस किया है मैं उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट दूंगा। गिफ्ट देने के लिए सब कुछ है पर पैसे नहीं है। मुझे आपसे 2000 रुपए चाहिए अंकल बस। हाँ 2000 रुपए अंकल बस। मालूम था तू ऐसा शौक देगा, इसलिए मैंने पूरा पैसा बैंक में डाल दिया और ये सारी दारू उधार लेकर आया हूँ। अगर तुम नहीं दोगे तो बाहर वाला लाकर देगा क्या मेरे को? है कौन देगा मेरे को बताओ। एक काम कर, रवि से के पास से ले ले। रवि से पागल हूँ क्या? उससे बिल्कुल नहीं पूछूंगा, वो पहले का पैसा पूछेगा। मैं आपको ही देना पड़ेगा अंकल। अरे गिफ्ट किसको देगा? अरे तो कैसी बातें करते हो अंकल, जिसको गिफ्ट देना है उसी से पैसे लेकर उसको गिफ्ट देते हैं क्या? पैसा तो आपको ही देना पड़ेगा अंकल।
अरे मेरे पास पैसे नहीं है। ये बात पहले बोलनी चाहिए थी ना। तू बोलने दे। अरे तब आप कह रहे मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मुझे लगा तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा होगा। हाँ अच्छा तुझे तकलीफ थी? अरे तूने कितनी तकलीफ दी मुझे, तेरे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, आखिर में तेरा अंडर पेयर तक होया है और तू कहता है मुझे तकलीफ दी। मैं इतना सारा काम करता हूँ। हेलो हेलो मैं शशि बोल रही हूँ। ओ हाय कैसी हैं, बोलिए ना। वो क्या है ना, वो आपने कंपटीशन में पेंटिंग भेजी कि नहीं वो जानने के लिए मैंने फोन किया था। उसके लिए टाइम लगता है। ओ ऐसा है क्या, मुझे पता नहीं था। इट्स ओके क्या कर रहे हैं आप, खाना हो गया क्या? अरे भूख तो बहुत लगी पर मैं क्या करूं, हॉस्टल में खाना इतना बेकार मिलता है ना, खाने की इच्छा ही नहीं होती। 15 मिनट मेरा इंतजार करोगी? अरे हेलो 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 रवि जी, कुछ कहे बगैर ही फोन रख दिया। निम्मी। अरे पवन चल तेरे से काम अभी है। तक तो इसने इस्तेमाल किया, अब तू मेरा इस्तेमाल करेगा। कहाँ पर? निम्मी के हॉस्टल में जाना है, चल 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 आजा। निम्मी अंकल मैं सच्चे दिल से बोल रहा हूँ अंकल, उधर की परिस्थिति बड़ी खराब रहती है अंकल, प्लीज हेल्प मी अंकल। ये बात उससे बोल। अंकल अभी उसको कुछ भी बोलेंगे ना तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ उसको कोई आदमी चाहिए, दरअसल मुझे लगता है कि वो एड्रेस के लिए पूछ रहा होगा। हाँ वो सोमाजी गोड़ा है ना, उसके बगल में एक लाल कलर की बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग के बगल में हॉस्टल है। हाँ हाँ मुझे पता है अच्छी तरह, तो तू ही जाना यार। अरे पवन तू आ रहा है या मैं जाऊँ? हाँ आ रहा हूँ ड्रेस चेंज करके ले, और तू रम भी अच्छी तरह, पता नहीं कितना पीता है। हाँ अरे रवि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हाँ मैं बोलता हूँ उल्टे पांव चले जाते हैं। ए, चुप रह चल, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। हाँ चलो चलते हैं यार। अरे इस कॉलेज के वार्डन को और यहाँ के वॉचमैन की वार को मैं जानता हूँ यार। हाँ अरे इस कॉलेज में बिरयानी लेकर मैं पहले भी गया था यार। हाँ तू समझने की कोशिश कर मेरे भाई, अरे वो बिरयानी खाए ना खाए हमारी बिरयानी हो जाएगी यार। ए, चलना। नहीं नहीं चला। नहीं तू जा तू जा, मैं यहीं पे रहूंगा। हाँ चलो भगवान उसका भला करे। क्या होगा? आ गए आप, किसी ने देखा तो नहीं ना? दरवाजा खटखटाते ही खोल दिया, इतनी जोर से भूख लगी है? ऐसा नहीं है, जब से फोन किया है वही टेंशन है, तब से डोर के पीछे खड़ी हूँ। आपको वार्डन जी के बारे में नहीं पता, पवन जी को बराबर पता है, इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए था। इसमें रिस्क की क्या बात है, आपने बोला खाना नहीं खाया, मैं आपके लिए खाना ले आया, प्लीज ले लीजिए। वेल थैंक यू, आप जरा यहाँ से जल्दी जाएंगे, हमारी वार्डन जी। आप फिकर मत कीजिए मुझे कुछ नहीं होगा। ओके बाय गुड नाइट। जरा संभल कर कोई देखे ना, जल्दी निकल जाओ। अरे बाप रे ऊपर जाकर सेटल हो गया, वार्डन आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ कहाँ आएगी वार्डन, क्या करेगी? क्यों रे फिर से आ गया तू और उल्टा कुछ चला जा रहा है? हाँ प्रॉमिस 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 आंटी, मैडम मैं अपने लिए नहीं आया, अपने दोस्त रवि के लिए आया हूँ। हाँ वो ऊपर गया हुआ है। मैं रवि, ये कौन है? अरे 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 हमारे रवि को नहीं जानती, जो दाढ़ी रखता है, एक्सरसाइज बॉडी बनाता है, पेंटिंग उतारते रहता है वो, ये सब आपको क्या पता, वो हेडलाइट डाल के इधर उधर देखती रहती है ना, 102 वाली रवि के साथ चक्कर है उसका, समझ गई ना? हाँ वो लड़की हमारे रवि से प्यार करती है। क्या मतलब तुझे पता है क्या? हाँ अब वो ऊपर ही है ना, मैं क्या बोलूँ आंटी आपसे, आप समझते हो? खराब मत कर, आप चलिए आंटी, आप चलिए पहले आ ऊपर। चल रे उस दिन मार गया था तो अक्कल नहीं आया, आप फिर से आ गया, सबकी नींद हराम करता है। मुझे क्यों जा रही है? शशि शशि आप ठहरिए। रवि रवि दरवाजा खोल, इधर मुसीबत खड़ी है। खोलेगा मैडम, टाइम लगेगा ना, खोल दिया। देखो आ गए मैडम। हेलो मैडम। शशि अंदर कोई है क्या? नहीं है मैडम। अरे रवि लंबा सा दाढ़ी। वाटो मैं देखती हूँ, देखो कहाँ है रवि, दिखाओ रवि। अरे कहाँ गया, बाथरूम गया क्या? वो बंद करो जाओ, इनके पीछे क्यों पड़ गए? हाँ बोलो। अरे ठहरिए, अरे वो आया था ना वो लंबा सा बिरयानी लेकर। नहीं पता मैडम। अरे क्या कह रही है ये, अरे तू इधर आ, तू इधर आ, उसको देख क्या कह रही है वो। वो इधर आने के बाद भी वो इतना अच्छा नाटक कर रही है, मेरे आने के बाद भी कह रही है वो नहीं आया था। मुझे छोटे इन दोनों से क्या बात कर रहे हो आप, कुछ देर के लिए चुप रहेंगे? अभी हम लोग ड्यूटी के बारे में बात करेंगे, सिर्फ ड्यूटी के बारे में। आप हॉस्टल में क्या कर रहे हैं, वार्डन की ड्यूटी कर रही है ना? लड़कियां क्या कर रही है, क्या खा रही है, सो गई है या नहीं, यही ड्यूटी कर रही है ना आप? और मैं अपने रवि की ड्यूटी कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, उसको कहाँ से लेकर कहाँ जा रहा है, उसको कहाँ से लेकर आना चाहिए, वो क्या कर रहा है, ऐसी ड्यूटी कर रहा हूँ मैं। आप अपनी ड्यूटी कर रही है, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, हम दोनों अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उस दाढ़ी के लिए हम क्यों आपस में झगड़े? सुबह उठते ही हम दोनों को फिर एक दूसरे की शक्ल देखनी है, ठीक है? बहुत अच्छी तरह सोचिए आप, बी सपोर्ट बी सपोर्ट, जरा सोचिए, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं हम लोग, सोचिए आप भी सोचिए।
अरे कहाँ गया वॉचमैन? उसको पकड़ छोड़ना नहीं। हेलो, मैं रवि बोल रहा हूँ। रात को क्या हुआ मेरे जाने के बाद? अरे उसे फिर से मारा उन लोगों ने, अभी वो ठीक है ना? उसका तो ये रूटीन है। आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। आप कॉलेज से बाहर आ सकती हैं क्या? कॉलेज का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ से निकल रही हूँ। बस आधे घंटे की बात है, प्लीज। ओके ठीक है, मैं आती हूँ। थैंक यू वेरी मच। सॉरी बहुत ट्रैफिक था। कोई बात नहीं। क्या लेंगी आप? मैं ब्रेकफास्ट करके आई हूँ। कोक। ओके। वेटर दो कोक। आप कुछ बात करना चाहते थे? कोक लीजिए। आप लीजिए ना। बोलिए। वैलेंटाइन डे है ना, उसके लिए कार्ड डिजाइन किया था। आपसे सलाह लेने आया हूँ। आप इसे देखकर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। आप काफी इमोशनल है ना, इसीलिए आपको ऐसी आइडियाज आती हैं। मैंने इसमें अपनी पर्सनल फीलिंग्स और अपने अकेलेपन को उतारा है। दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान को जानता हूँ, वो है मेरी माँ जो मुझे छोड़ गई। उसके बाद रोड पर पेंटिंग और होर्डिंग का काम किया, एक लाइब्रेरी में भी काम किया। दोस्त बढ़ गए, उसके बावजूद भी मेरे जीवन में अकेलापन ही रहा। आज वो नहीं है तो क्या हुआ, उनकी ब्लेसिंग्स तो साथ में है। मुझे माँ से बहुत प्यार था। माँ को मुझे छोड़े हुए बहुत साल हो गए, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ही गई है। जब भी किसी माँ को देखता हूँ तो उन्हें माँ कहकर पुकारता हूँ। मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरी भी माँ नहीं है। कूल रवि, ज़्यादा दुखी मत हो, मेरे कॉलेज का टाइम हो गया है और आपके कार्ड बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। मैं आती हूँ। ओके बाय। रवि, क्या हो गया तुझे? पहले प्रोफेशन के अलावा किसी के बारे में सोचता नहीं था तू, और अब प्रोफेशन को साइड में रखकर किसके बारे में सोच रहा है? तू सही कहता है, प्रोफेशन के साथ मुझे नुकसान हो रहा है, पर आज दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। बचपन में जो खुशी खो गई थी वो आज मुझे मिल गई है। तू शशि के बारे में? एग्जैक्टली। एक लड़की मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट होगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। हम दोनों की सोच एकदम मिलती है। ये बात तूने लड़की को बताई? नहीं दोस्त, कल वैलेंटाइन डे है, कल ही उसे बताऊंगा। ओके यार, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एक भी पैसा नजर नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ रख दिया इसने, कहाँ रखा होगा। बेटा क्या ढूंढ रहे हो? अरे और क्या ढूंढूंगा, पैसा ढूंढ रहा हूँ, बच्चे को रुला दिया त्योहार के दिन। तुझे बीपी है क्या? क्या बीपी बीपी लगा रखा है, वैलेंटाइन डे के बारे में पता है क्या? तुम बता दो फिर। अरे वैलेंटाइन डे के दिन लड़के लड़की को गिफ्ट देता है, मैं निम्मी को दूंगा, निम्मी मुझे देगी। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, तुम्हें पता भी है कुछ? हाँ, तुम्हें कुछ नहीं पता? बस इतना ही? हाँ। अब मैं बताऊँ? हाँ बताओ। वैलेंटाइन डे मतलब हाँ। प्यार के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने वाले सेंट फ्रांसिस वैलेंटाइन ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, इसलिए वैलेंटाइन डे मनाते हैं। यही वैलेंटाइन डे की सच्चाई है। अरे जब तेरे को इतना पता है तो पैसे देने के लिए क्यों रोता है? बोला ना, बैंक में डाला है यार। छी।
हेलो हाय रवि हाय निमी हैप्पी वैलेंटाइन डे थैंक यू सेम टू यू जरा शशि को फोन देना वो कहाँ है गाँव गई है क्या वो गाँव चली एक हफ्ते के लिए एक हफ्ते के लिए हेलो रवि क्या हो गया तुझको शशि गाँव चली गई इसका मतलब गाँव नहीं जाएगी अरे बोल कर तो जाना चाहिए ना अरे फोन पे ट्राई किया होगा नहीं मिला होगा जानता हूँ ना सुन यार प्यार में अगर कुछ दिन दूर रहोगे तो प्यार और बढ़ेगा यार अरे अंकल प्यार के बारे में बहुत कुछ जानते हो अरे रे मुझे 2000 रुपए दे उसको गिफ्ट देना प्लीज 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 देना देना प्लीज प्लीज मेरे प्यारे देना देना प्लीज प्लीज देना देना खुशियाँ लुटाएंगे प्यार करते जाएंगे आहा छोटे से दिल के हम आसमां पे उड़ चले प्यार करते जाएंगे आहा प्यार किए जा खुश हो के जिए जा इस लाइफ की खुशियों को लाइफ लॉन्ग किए जा धूम मचा ले झूम के गा ले होठों से किसी के तू जरा जा को उड़ा ले मस्ती में गाएंगे खुशियाँ लुटाएंगे प्यार करते जाएंगे आहा छोटे से दिल के हम आसमां पे उड़ चले प्यार करते जाएंगे आहा छोटे से दिल के हम आसमां पे उड़ चले प्यार करते जाएंगे साथ हो प्यार की बरसात हो लम्हा लम्हा खुश हो के गाते रहो तुम गाओ ये गाना बोलो ये तराना बाकी न रहेगा कोई फसाना दिल भर के संग बिताओ राते मजे उड़ाओ आओ चलो ये गाओ सपने नए सजाओ मस्ती में गाएंगे खुशियाँ लुटाएंगे प्यार करते जाएंगे आहा छोटे से दिल के हम आसमां पे उड़ चले प्यार करते जाएंगे आहा प्यार किए जा खुश जिए जा इस लाइफ की खुशियों को लाइफ लॉन्ग किए जा झूम मचा ले झूम के गा ले होठों से किसी के तू जरा जाम उड़ा ले पहुंचते ही फोन कर देना ठीक है चाचा बड़े मालिक ने मालकिन को शहर भेजने के लिए नहीं कहा अरे ये क्या चाचा जी पहले ही मेरी इतनी सारी क्लासेस मिस हो गई ऐसा क्यों कहा पिताजी ने भैया ने जो कुछ भी बोला कभी उनसे नहीं पूछा कि सही क्या गलत क्या है कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा समझ गई
ए, सामान वापस रख। हाय, मुबारक हो, तेरी पेंटिंग को अवार्ड मिला है। क्या रे, इतनी अच्छी गुड न्यूज दी फिर भी डल है। अरे एक हफ्ता बोला था, अभी तक नहीं आई। तो क्या हुआ, एक दिन इधर उधर हो गया होगा। कम से कम फोन तो करना चाहिए। क्या बात है, गुड न्यूज पार्टी होनी चाहिए, मुझे जबरदस्त पार्टी चाहिए। मुंह बंद कर, मेरा मूड नहीं है। इसका तो मूड नहीं है, तेरा है क्या? है, तेरे पास पैसा है? रवि ने तेरे लिए कितना ट्राई किया पता है? सच में? अर्जेंट बात करनी है उसे। मुझसे? हाँ, तुझसे। क्या हुआ होगा? एक मिनट। हेलो। हेलो। यस, अभी अभी आई है रवि। हेलो, कभी आई? अभी आई हूँ। तुमसे अर्जेंट बात करनी है, कॉलेज के पास मिलो, मैं अभी आ रहा हूँ। हेलो, हेलो। बैठो गाड़ी पर। कहाँ पर? अरे बैठो ना आकर। अरे पर किसी ने देख लिया तो? चलो। अरे बिना बताए तुम गांव चली गई, मुझे कितनी तकलीफ हुई। तुम्हें कुछ पता है क्या, मेरा पेंटिंग अवार्ड भी आया। तुम्हारे नहीं रहने से मुझे उसमें भी खुशी नहीं हुई। आदमी को खुश रहने के लिए बहुत चीज़ों की जरूरत होती है, और मुझे खुश रहने के लिए तुम्हारा रहना बहुत ज़रूरी है, जो मुझे 10 दिन में पता चला। मालूम है क्यों? आई लव यू। चुपचाप क्यों खड़ी हो, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? जो भी है बोलो, कुछ नहीं बोलोगी? I'm sorry, रवि। सॉरी किस लिए? लगता है मैंने आपको बहुत डिस्टर्ब किया है। मेरी शादी फिक्स हो चुकी है। मेरे गांव में रहने की वजह भी यही है, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। ये एंगेजमेंट रिंग। तुम 10 दिन नहीं थी तो मेरा जीना मुश्किल हो गया था, और अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं रही तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बांट ली है। अब मैं बाहर नहीं आ सकता, अब मैं इसमें से बाहर नहीं आ सकता। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप मेरी परिस्थिति को समझो ना। मेरी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है। एंगेजमेंट? सीरियसली एक बात साफ साफ बताओ, क्या तुम अपने कंवर जी से प्यार करती हो? देन कंवर जी तुम्हारे बिना रह जाएंगे, पर मैं शायद तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। तुम्हारे बिना मेरा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, यह सच है, समझने की कोशिश करो। ऐसा लग रहा होगा अभी आपको, कुछ दिन के बाद आप सब भूल जाएंगे। मुझे कन्विंस मत करो, मैं नहीं भूल सकता तुम्हें, मुझे अच्छी तरह पता है। आप ऐसा कर सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा है। मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। अंकल ये क्या, हर समय रम पीते हो आप, चेंज क्यों, अच्छे नहीं है क्या? हाँ टेस्ट एकदम से खराब हो गया, बदल देते तो अच्छा रहता। हाँ चलेगा चलेगा, फोकट अबे जब अच्छी है तो पीना। क्या रे? अरे अंकल आप भी। अरे रवि, रवि क्या हुआ, क्या हुआ बोलना। अंकल देखा पीने के लिए बोल रहा है। बोला ना एक पैक दे।
आखिर क्या हुआ यार? नहीं बोल सकता, बोला ना एक पैक दे। अरे hey, शिट। हेलो, मैं शशि बोल रही हूँ। आप कैसे हैं? तुमने जो कहा था अब मैं वो करने वाला हूँ। प्लीज आप ऐसा कुछ मत कीजिए। तुम्हें जब मेरी इतनी चिंता है तो तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, मैंने पहले भी कहा है और फिर से कहती हूँ, आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड। मैं ये सब सहन नहीं कर पा रहा हूँ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मेरे हाल पर। प्लीज रवि, मेरे लिए अपना करियर बर्बाद मत करो। लाइफ से ही इंटरेस्ट खत्म हो गया। करियर क्या चीज है? रवि मेरी बात सुनो, जब आपकी माँ गुजर गई थी तब तो आपने अपना करियर हिम्मत से बनाया था ना? आफ्टर ऑल मैं क्या हूँ, मुझे आसानी से बुला सकते हो। प्लीज रवि। मैंने पहले तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब बर्दाश्त करने की हिम्मत मुझ में नहीं है, नहीं है। अब मैं तुम्हें क्या समझाऊं कि तुम समझ जाओगे? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती शशि? क्या ये फोन पे बात हो रहा है? हाँ, रात को क्या बात हो रही है? फोन रखो, फोन रखो। हेलो हेलो शशि, बात करते करते फोन रख दे। ए रवि, इसको क्या हो गया? क्या तुम लोगों स्पेशल बोलने का? सब लोग अपने अपने रूम में जाओ, लाइट क्यों जल रही है? लाइट ऑफ करो सब। ए, 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 रुक, किधर जा रहा है? अंदर। ए, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहा है? लड़कियों का हॉस्टल है ये। रवि ये क्या है? शशि कहाँ है? रवि, शशि से बोलो मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तुम इस तरह करोगे तो उसे कितनी तकलीफ होगी। मेरी फीलिंग का कोई मतलब नहीं है, बात करते करते फोन काट दिया। उसे बुलाओ, शशि को यहाँ बुलाओ। पुलिस आई है यहाँ पे, पुलिस। अरे पुलिस, तुमने फोन क्यों काट दिया था? क्यों काट दिया था बोलो? मैंने जानबूझकर कट नहीं किया, वो मैडम ने कट कर दिया। पुलिस यहाँ पर आती होगी, प्लीज आप यहाँ से जाइए। मुझे तुमसे बात करनी है शशि, मुझे तुमसे बात करनी है। ए, हट, छोड़ो, ए, छोड़ो मुझे, छोड़ो, ए, छोड़ो मुझे, शशि मैडम से बात करना चाहता हूँ। ए, ए, हट, ए, छोड़ो मुझे, छोड़ो, हट, ए, ए, छोड़ो मुझे, छोड़ो, ए, चल, चल बैठ, बैठ अंदर, बंद करो, चलो। मम्मी, शशि चुप हो जा, चुप हो जा। थैंक यू सर, क्या रहे? चल, निम्मी ने फोन करके बताया, ये सब क्या है यार? हाँ, छे ये सब क्या है? मैं तुझसे बात कर रहा हूं, ऑफिस नहीं आ रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। अरे तुझे अपने से इंटरेस्ट नहीं होगा तो कैसे होगा? मैं तुझसे बोल रहा हूं। सुन, हम लोग लाइफ में बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता है, कंप्रोमाइज करना पड़ता है वरना हम जी नहीं सकते। सुन, मैं कौन था तुझे पता है? मैं पहले पवन के ही जैसा था। जिंदगी में लोग आते जाते हैं, 3 महीने पहले तुझे एक लड़की मिली, उसके लिए तू ऐसा कर रहा है? ऐसा क्यों कर रहा है यार? क्यों ये सब सहन नहीं हो रहा है? अब मेरी बात सुन। सुन, इंसान की जिंदगी में तकलीफें आती हैं, उसका सामना किया जाता है। हाँ, और हम ये सब गर्व से कहते हैं, रवि हमारा दोस्त है और तू ये सब देख। मैं तेरी आंखों अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्या लड़की के लिए रोना है? तू रोते हुए अच्छा नहीं लगता यार, मत रो, मत रो तू। बोलो अंकल इसको, बोलिए ना अंकल इसको।
हाय पवन, दारू है क्या? अंकल बोलो ना इसको। अंकल मैंने आज से पहले कभी भी उसको रोते हुए नहीं देखा। अंकल हाँ, अब कुछ भी कीजिए आप उसको समझाइए। और कुछ भी समझाइए आप उसको, पहले जैसे कीजिए आप। हाँ क्या तुम निम्मी को भूल सकते हो? इसका उसको क्या संबंध है? प्रेम, लव। सुन, प्यार में से निकलना इतना आसान नहीं है, तुझे पता है? ऐसा नहीं होना चाहिए था उसके साथ। रवि, बात करो रवि। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? मैं तुमसे पूछ रही हूं, पी के कोई ड्राइव करता है क्या? कुछ हो जाता तो? हो जाता तो और क्या होता, मैं मर जाता ना, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं होती? तुम पहले ऐसे तो नहीं थे ना रवि? इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? शशि सही बोल रही है। Try to be cool, रवि। Cool? कितना easy लगता है cool कहना? प्यार क्या होता है तुम्हें क्या पता? तुम्हें सब कुछ cool लगता है। मेरी परिस्थिति को समझो रवि। मैं परिस्थिति को समझूं? ये मुझसे संभव नहीं है। तुम्हें क्या मालूम है मुझे कितना दर्द हुआ है? सब कुछ खत्म हो गया। ये सजावट, ये पेंटिंग, मेरा इंटरेस्ट सबसे हट गया, सबसे हट गया। because of you, you can't love me. Ravi, Ravi, yes, yes, I love you. Love you more than you love me. I love you. अपने दिल में इतना प्यार रख के तुमने मुझे इतना टॉर्चर किया? टॉर्चर मैं नहीं कर रही थी, तुम कर रहे थे। दुनिया में बहुत लोग प्यार करते हैं, पर सबकी शादी हो ये जरूरी नहीं है, इसी बात से डरती हूँ। जब हम दोनों का प्यार सच्चा है तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ओके? मैं एक बहुत अलग लड़की हूँ, माय बैकग्राउंड इज डिफरेंट। सबसे ज्यादा अच्छा जो तुम्हें वेडिंग कार्ड लगता है, तुम्हें जरा सा भी अंदाज है वो किसका है? वो मेरी बहन का है, मेरे चाचा की बेटी का। ये बात जब उन्हें पता चली तो उन्होंने उसे मार डाला।
जब दीदी को ये पता चला तो उन्होंने शादी वाले दिन ही आत्महत्या कर ली। अरे जो अपने भाई के बेटी के मामले में ऐसा कर सकता है वो अपने बेटी के मामले में चुप नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा, मुझे पता है। इसलिए मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार है उसे मैंने छुपा कर रखा था ताकि तुम्हें कुछ ना हो, कुछ ना हो। लेकिन अपने प्यार की वजह से तुम खुद को भी तकलीफ दे रहे थे और मुझे भी। मुझे समझने की कोशिश करो रवि। I'm very sorry. मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दिया है पर अब नहीं दूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूं मैं बहुत खुश रहूंगा। आइए सर, आइए। यही है सर, ये देखिए, ये है सर। हेलो, आई एम रवि। हेलो, सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। अभी तक तो पहचाना नहीं है पर आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ चलो, हाँ हम लोग बाहर चलकर बात करते हैं। या कम फिर मेरे साथ एंगेजमेंट करने को क्यों तैयार गए हो? वो इसलिए कि शशि बड़ी मासूम है, वो किसी से कुछ बोलती ही नहीं। शशि के बारे में आप कुछ मत बोलिए, और मैं दोनों बचपन से पले। माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है वो ऐसे समय में ऐसा क्यों कर रही है। यानी कि हो सकता है अपने पिताजी के डर से वो कुछ नहीं बोलती हो। ओके, उसने अपने पिता के डर से कुछ नहीं बोला, लेकिन अब मैं क्या करूं बताओ। आपको कुछ नहीं बोलना है, वो बेचारी कुछ नहीं बोल पाती ना, इसलिए मैं आपसे बात करने आया हूं। आप बोलने आए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं अपने होने वाले ससुर को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं और लगता है आपको मेरे ससुर के बारे में नहीं पता। मैं उन्हें समझा लूंगा, बस आप मेरा साथ दीजिए। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। मेरी गाड़ी का टाइम हो गया है। थैंक्स वंस अगेन, मैं अब चलता हूं। सी यू लेटर। ओके बाय। कह दो मुझसे तुम ये कह दो, तुम मेरे जाने जाओ एक बार मुझसे कह दो। I do love you कह दो मुझसे तुम ये कह दो, तुम मेरे जाने जाओ एक बार मुझसे कह दो। मेरी रातों में तुम निगाहों में तुम जैसे सजे हो आके बसे इन सपनों में तुम। I do love you कह दूं तुमसे मैं ये कह दूं, तुम मेरे जाने जाओ सौ बार तुमसे कह दूं। Thank you.
करा हुआ ये मिलन, अब तुम्हारा हुआ ये सजन। कभी तन्हा ना छोड़ोगे, इन राहों पे मुँह न मोड़ोगे। I do love you कह दूँ, तुमसे मैं ये कह दूँ, तुम मेरे जाने जाओ सौ बार तुमसे कह दूँ। मेरी रातों में तुम, इन निगाहों में तुम, जैसे सजे हो आके बसे इन सपनों में तुम। कर हुई है और नम, जैसे ये सितारों से रोशन हुई ये मेरी दुनिया तुम्हारी हुई। तुमको देखूं मैं महकी रातों में, तुमको सजा लूं ख्वाबों में। आई डू लव यू कह दो मुझसे, तुम ये कह दो, तुम मेरे जाने जाओ एक बार मुझसे कह दो। मेरी रातों में तुम, इन निगाहों में तुम, जैसे सजे हो आके बसे इन सपनों में तुम। I do love you कह दो, तुमसे मैं ये कह दो, तुम मेरे जाने जाओ सौ बार तुमसे कह दूँ। शशि मैं तुम्हें ही फोन करने वाला। कल पूरा दिन कहाँ थे तुम? बाद में बताऊंगा, इट्स अ वेरी हैप्पी न्यूज। वो सब बाद में, पहले गांव से पिताजी आए हैं। अच्छा अच्छा, अभी वो कहाँ पर हैं? वो कोई होटल में ठहरे, दो दिन तो मुझे डिस्टर्ब मत करना प्लीज। सुनो शशि, मुझे उसी विषय में बात करनी है। वो सब मैं बाद में बताती हूँ, अभी वार्डन आ रही है, मैं रखती हूँ, बाय। शशि शशि, छोकरी कमिश्नर साहब का ऑफिस कहाँ है, वहाँ कैसे जाना है, जरा हमारे ड्राइवर को समझाओ। विच कमिश्नर? म्युनिसिपल कमिश्नर, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर। इफ यू वांट ईसी कॉन्ट्रैक्ट 548641, इफ यू वांट एमसी 555470, टेल मी सर विच कमिश्नर यू वांट एग्जैक्टली। मे आई हेल्प यू सर? क्या बोला तू? मैं गाइड हूँ सर। मतलब? गाइडिंग मतलब? मतलब शहर में कौन कौन कहाँ कहाँ है ये सब मैं बताता हूँ। अच्छा समझा, पुलिस कमिश्नर का ऑफिस कहाँ है, जरा हमारे ड्राइवर को समझा दो। शेयर मार्केट पता है तुम्हें? उसके बाजू में रेमंड शोरूम है, उसके ठीक सामने एक बड़ा सा बोर्ड है, ठीक है, उसके बराबर की गली, उससे थोड़ा सा आगे जाओगे तो बिग बाजार है, समझे तुम? बिग बाजार नहीं पता, इतना बड़ा लैंडमार्क है। उसकी समझ में नहीं आया, तुम ही चलो। श्योर श्योर, प्लीज कम। रुको, अंदर बिना पूछे कहाँ जा रहे हो? क्या बोल रहा है? मैं कौन हूँ तुम्हें पता है? कौन है आप, किस लिए आए? क्या बोल रहा है जरा देख। सर करीमनगर के पास के बहुत बड़े जमींदार हैं, कमिश्नर साहब से बात हो गई, कमिश्नर साहब से मिलना चाहते हैं प्लीज।
हाँ मैं बात कर लूंगा। हाँ। नमस्ते कमिश्नर साहब। बैठिए, मैं बाद में फोन करता हूँ। क्यों बुलाया सर? बिना मतलब हम किसी को तकलीफ नहीं देते, आपके ऊपर बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। ये सब कुछ चलता है, तुम्हें तो पता है ना सब कुछ। तुम क्या करते हो, कैसे करते हो मुझे नहीं पता। मुझे तो एक सप्ताह के लिए अपनी सुरक्षा चाहिए। होम मिनिस्टर से चाहो तो बात कर लो, फोन मिलाओ। इसकी जरूरत नहीं है, मेरी ऑलरेडी बात हो चुकी है, हमने तहकीकात कर ली है। जैसे सिक्योरिटी आ जाएगी हम आपको दे देंगे। ठीक है। इंग्लिश में बात मत करो, तुम क्या पढ़े हो? डिग्री ली है साहब। अरे डिग्री की है, कोई अच्छी नौकरी करो, ये क्या कर रहे हो तुम? प्यार में फेल हो गया हूँ, जिंदगी में इंटरेस्ट ही नहीं है, इसीलिए ऐसे ही जी रहा हूँ। लव हो गया? किससे? एक बड़े बाप की बेटी से। बड़े बाप की बेटी से मतलब कोई जाति तो होगी? राजपूत जाति की है सर। राजपूत जाति, तो तुम कौन से जात के हो? मुझे पता नहीं है। तुम्हारा कौन सा कुल है तुम्हें ही पता नहीं, और तुम्हें राजपूत जाति की लड़की चाहिए? वो लोग तो शरीफ थे जो तुम्हें छोड़ दिया। अगर उसकी जगह पर मैं होता तो इसका क्या होता बता दो। काट के फेंक डालते हैं। सुना ना क्या बोला? इसलिए कोई नौकरी ढूंढ लो, अच्छी सी छोटी जाति वाली लड़की से शादी कर लो। अगर कोई मदद चाहिए तो बोलना। क्या नाम है लड़की का? Gravitation says that this is equivalent to the gravity and शशि, तुम्हारे पिताजी आए हैं। एक मिनट में आई। आपकी बेटी है? आपके पिताजी को कॉलेज का पता नहीं था, वही दिखाने आया था। आई एम रवि। क्यों बेटा? अच्छी हो ना? क्या खाना नहीं खाती जो इतनी दुबली हो गई हो? खाती हूँ पिताजी। खाती हो तो इतनी दुबली क्यों हो गई? एक बात और, तेरी होने वाली सास की तबीयत खराब है, इसलिए शादी का दिन तय कर दिया है। मुहूर्त 5 मई का है। मैं चाचा चाची को भेज दूंगा। तुम्हें जो भी खरीदारी वगैरह करनी है कर लेना बेटा। और तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं चाहिए ना? मैं चलूं? तुम अंदर जाके पढ़ाई करो, जाओ बेटा। आओ, तुम्हें छोड़ दूं? मैं यहीं रहता हूँ, चला जाऊंगा। शशि, 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 क्या हुआ तुमको? हे, रो क्यों रही हो? हाँ, चलो, चलो अंदर चलो।
तुम यहां कैसे? प्यार करना गुनाह है क्या? मतलब तुम मेरी बेटी से? हाँ जी हाँ, मैं उससे प्यार करता हूं। ये तुम क्या कह रहे हो बदमाश? मैंने कुछ गलत नहीं किया, प्यार किया है बस। फिर से ये बात क्या कर दिखाओ? मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। बचपन से रोड पर चला हूं, जीवन में कभी प्यार नहीं देखा। पहली बार किसी को प्यार किया है, मैं उसके बिना जी नहीं सकता, नहीं जी सकता मैं। अगर ऐसी बात है तो फिर मर। प्यार करने का मतलब मना होता है, हाँ? बताइए, हाँ? तो फिर मैं मौत से नहीं डरता, मुझे आपकी बेटी चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो भी मुझसे प्यार करती है। अच्छा ऐसी बात है, तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। प्यार करने वाले को मार डालेगा? मार डालेगा? बोल, मार डालेगा? प्यार करना गुनाह है क्या? तू सबको मार डालेगा? ऐसे कितने लोगों को मारेगा तू? किसको मारेगा तू? सबको मारकर सिर्फ तू जिंदा रहेगा? मुझे मारेगा या अपनी बेटी को? अपनी बेटी को मारेगा तू? बोल रे, अपनी बेटी को मार डालेगा तू? हाँ, मार डालूंगा। जमा डाल सबको। मालिक को मार डाला? अरे रवि कहाँ चला गया था? शशि के बाप को नेक्स्ट लाइट वालों ने मार दिया है। नेक्स्ट लाइट ने? क्यों? यस। किस लिए? पता नहीं, लेकिन हमको गांव जाकर लड़की को हिम्मत देनी चाहिए। उसके परिवार के बारे में जानते हो ना, हम लोग वहां नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? ए, बुलाने नहीं जाएंगे, समझ गए? चुप हो जा। संभालूंगा।
शशि, रवि मुझसे मिलने आया था। बता दिया, वो कह रहा था तुम्हें लगता है तो अगर तुम दोनों एक होना चाहते हो तो डरने की बात नहीं है, चाहे तो मैं सपोर्ट करूंगा। आइते तो अच्छा शशि, सच गलत क्या है? लक्ष्मण के साथ भी ऐसा ही करने वाले थे, क्या हो गया? ये सारी बातें अभी क्यों? आप चुप रहिए। आप मेरी शादी शशि से करवाना चाहते हैं, मगर मैं शादी नहीं करूंगा। जब वो मुझे पसंद ही नहीं करते तो शादी करके जिंदगी और पछताने से क्या फायदा? घर में आप बड़े हैं, इसका फैसला तो आपको ही करना पड़ेगा। देखो बेटा, जब लक्ष्मी मर गई तो मुझे लगा मैंने जो किया वो गलत किया, फिर से वही गलती नहीं करना चाहता। मुझे बताओ बेटा, वो कौन है? तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगा। क्या? अच्छा शशि, हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके। रवि, रवि, शशि गांव से आ गई है, कह रही है हम लोगों से मिलना चाहती है। अंकल चलो, बैठने से कुछ नहीं होगा, कम से कम एक तो सेटल हो जाएगा। दुखी मत हो, ये कहना बहुत आसान है और वैसा रहना भी बहुत मुश्किल है। क्या बात करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो कुछ हो गया उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम हिम्मत से काम लो, इससे आगे हम क्या कहें, क्या हिम्मत है हमें समझ नहीं आता। रवि जाओ। तुम क्यों नहीं आए? बचपन में माँ चल बसी, अब पिताजी नहीं रहे, वहां मेरा दम घुट रहा था, मुश्किल हो गया था जीना। तुमसे बात करने का दिल कर रहा था लेकिन तुमने फोन तक नहीं किया। मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तुम्हारी तकलीफ नहीं बढ़ाना चाहता था, इसीलिए नहीं आया। I'm sorry, शशि। Please। ये सब क्या है? तुम सब इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? अब शशि भी रो रही है, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, इसके घर वाले तैयार हो गए हैं। सचमुच? क्या ये सच है? बोलो शशि, सच बात है?
कुछ हम बनाएंगे। बैठो रवि, मैं अभी आती हूं। चाची जी, रवि। नमस्ते। ये मेरे चाचा जी। नमस्ते। शशि ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। शशि हम सबकी लाडली बेटी है। ये हमारे बड़े भाई थे, नेक्स्ट लाइट वालों ने इन्हें मार दिया। तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगा, फिक्र मत करो। थैंक यू। तुम सब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? ये शशि का होने वाला पति है, हमारे घर का दामाद है। जाओ जाके चाय का इंतजाम करो। बेटा तुम नहा धो के आराम करो, बाद में बातें करते हैं। अरे सुनो, पानी गर्म कर दिया? चाचा जी बहुत अच्छे इंसान है, हमारी शादी भी उन्हीं के वजह से होने वाली है। हे, मुझे नहीं मिलवाओगे क्या? ऐसी बात कर रही है? कम से कम नाम तो बताओ। चल बैठा। Hey, 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 hey!
बेटे तुम इस वक्त यहाँ? बस ऐसे ही थोड़ा टहलने निकला था। बेटे ये गांव है, यहाँ सांप वगैरह घूमते हैं, चलो यहाँ से। क्या बात है शशि, तुम अभी तक सोए नहीं बेटा? रवि तो बाहर घूम रहे थे। कहाँ पर? अरे वहीं पर जहाँ पागल सोता है, जहाँ सांप वहाँ घूमते हैं। बेटा तुम आके सो जाओ, ठीक है? नई जगह है ना, नींद नहीं आ रही थी इसीलिए। तुम कब आ रही हो? 2 दिन के अंदर आ जाऊंगी। ओके बाय। रवि, शशि हॉस्टल आई थी, अपना सामान लेकर चले गई और निमि से भी बात नहीं की। कहाँ गई होगी? रेलवे स्टेशन गई होगी। शशि, कम विद मी। छोड़ो मुझे। चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे।
क्यों वापस जा रही थी? शशि मैं तुमसे पूछ रहा हूं, वापस क्यों जा रही थी? बोलो बोलो। तुम्हें नहीं पता? अगर कोई वजह नहीं है तो टेंशन क्यों हो रहा है? मतलब किस बारे में बात कर रही हो तुम? मुझे पता है रवि, तुम किस तरह के इंसान हो। मैं तुम्हें एक महान और अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन तुमने मेरे पिताजी को मार डाला और मैं कुछ नहीं कर पाई। लेकिन अब बस, अब मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, प्लीज। सच है, मैंने ही उन्हें मारा है, कबूल करता हूँ। क्यों, तुम्हारे पिताजी ने किसी को नहीं मारा? सुनो, तुमने उनका खून कैसे किया ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है। तुम्हें खूनी दरिंदे हो रवि। छी, मुझे तुमसे नफरत होती है। तुम एक आर्टिस्ट नहीं, एक क्रिमिनल हो। हाँ, तुमने सच कहा, मैं एक क्रिमिनल हूँ। बचपन से मेरा कोई नहीं है, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, तुम जानती हो। लेकिन आज जो मैंने गलत किया है वो सिर्फ तुम्हारे लिए, बिकॉज ऑफ यू। तुमने मेरे प्यार को ठुकरा दिया तो इसे मैं अपना बैड लक समझा, मगर जब तुमने मुझे स्वीकार कर लिया तो मैंने सोचा कि अब हमें किसी भी कीमत पर अलग नहीं होना है। इसीलिए मैंने अपने प्यार का इजहार कर दिया, मगर तुमने अपने घर वालों के सामने अपने प्यार को छुपा कर रखा। मुझसे ज्यादा तुमको तकलीफ हुई। फिर मैं तुम्हारे मंगेतर के पास गया, उससे बात किया, वो कन्विंस हो गया। तुम्हारे पिताजी के पास भी गया, उन्हें समझाने की कोशिश की, उनके पास कितना गिड़गिड़ाया मगर वो नहीं समझे। कहने लगे हम दोनों को मार डालेंगे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर मेरे हाथों उनका खून हो गया। मुझे कन्विंस मत करो, मेरे लिए तुमने मेरे पिताजी को मारा। वो कैसे भी थे, आखिर वो मेरे पिताजी थे। तुमसे मेरी मुलाकात बदनसीबी भी बन गई है। मेरे लिए क्या किया तुमने? मेरे लिए तुम्हारी वजह से मुझे इतनी तकलीफ हुई, तुम्हारे प्यार की वजह से मैं बर्बाद हो गई हूँ। आखिर क्यों मेरे पिताजी को मार डाला? इतना कुछ होने के बाद भी रवि, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर पाई, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरा पीछा मत करो, प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे भूल जाओ प्लीज। शशि मेरी बात सुन लो प्लीज। बस करो रवि, और ज्यादा बात करके मेरी नजर में मत गिरो, तुम्हारी गलती की सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हारे हाँ में हाँ नहीं मिला सकती। ये रहा उसका सबूत जो तुम्हारे सामने है। शशि, मैं तुम्हें कन्विंस नहीं करना चाहता, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। मगर मरना भी तो इतना आसान नहीं है, फिर भी मरना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो तुम्हारा प्यार मुझे मिल नहीं सकता ना। मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ, किसी भी परिस्थिति में तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी। I'm sorry शशि, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दिया ना। लेकिन आज के बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई प्रोमिस। बाय शशि। इंजेक्शन दे दिया ना? यस सर। कुछ दिन तक आईसीयू में रखना। ओके सर। अब वो कैसा है?
इज आउट ऑफ डेंजर. आउट ऑफ डेंजर इन द सेंस अब उनकी जान को खतरा नहीं है. लेकिन लेकिन इतने ऊपर से गिरने की वजह से उनके सर पर काफी चोट लगी है. उनकी हालत ऐसी है कि वो किसी से बात नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते. सही कहा जाए तो एक तरह से मौत से बढ़कर सजा है. क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ? सिस्टर, इन्हें पेशेंट के पास ले जाओ. देखो बेटी, जब किसी इंसान की ऐसी हालत हो जाती है तो उसके प्रति किसी की सहानुभूति कब तक रहेगी और तुम्हारे दिल में भी कब तक रहेगी? अब से ये एक वेजिटेबल की तरह हो गया है. इसमें जान के अलावा कुछ भी नहीं है. इसकी आइडेंटिटी कार्ड देखने से पता चलता है कि ये अनाथ है. फ्यूचर में कभी कोई ऐसी इंसिडेंस हो जाए तो हो सकता है कि ये ठीक हो जाए, वरना तब तक एक मासूम बच्चे की तरह इसका ख्याल रखना होगा. तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे जानकर मैंने तुम्हारा सपोर्ट किया था. उसने तुम्हारे पिताजी को मारा जानते हुए भी तुम? उसने पिताजी को मारा और खुद भी मरने के लिए तैयार हो गया, ये सब मेरी वजह से. रवि के बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ कुंवर जी. एक पागल कोई भी गुनाह कर ले, उसके लिए कोई सजा नहीं. रवि ने भी ये सब कुछ मेरे प्यार के दीवानगी की खातिर किया था. उसकी तरफदारी नहीं कर रही हूँ. जिस रवि ने मेरे पिताजी को मारा था वो रवि अब रवि नहीं रहा, खत्म हो चुका है. वो मर गया है. अब तो सिर्फ उसके अंदर जान ही बची है और शायद यही उसकी सजा है जो उसके किए पर कुदरत ने उसे दी है, और शायद मुझे भी. क्या मतलब? जिंदगी भर तुम उसकी सेवा करोगी? देखो शशि, मैं ये नहीं कहता मुझसे शादी करो, लेकिन तुम शादी नहीं करना चाहती, ये मैं क्या, कोई भी नहीं मानेगा, समझी तुम? मेरी वजह से किसी को भी तकलीफ हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, और मेरी वजह से किसी और की जिंदगी तबाह हो जाए ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती. और ऐसे में शादी करके जिंदगी भर की घुटन नहीं चाहती हूँ. ये मुझसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा. आपको मेरी कसम है, अगर आप लोग मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे हाल पे मुझे छोड़ दो.